नमस्कार, मैं हूं निशा गोल्यान और आप देख रहे हैं जनाधार न्यूज। बुधवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बुधवार देर शाम मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि दिल्ली में आने वाली 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2015 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2015 में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर कब्जा किया था, तो वहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं दिल्ली में 15 साल तक सत्ता में काबिज रही कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग के चुनावी तारीखों का ऐलान करने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर प्रचंड सरकार बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहेगी या बीजेपी और कांग्रेस में से कोई बाजी मार ले जाएगा, ये तो आने वाली 11 फरवरी को ही पता चलेगा। तब तक दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।